हेलो दोस्तों, मैं हूं सरफनाज, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, पिछला दिन मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो बेस्ट ऑफ 15 का था और गुलफराज मोहनपुर के खिलाड़ी का बेस्ट ऑफ 15 मैंने डाला था और आप सभी ने बहुत ही प्यार दिया उस वीडियो में। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक और पोल कराया था जिसमें मैंने पूछा था कि इन 5 खिलाड़ियों में से आपको सबसे ज़्यादा किस खिलाड़ी को पसंद करते हैं। उसमें से गुलजार को, जो मोहनपुर के खिलाड़ी हैं, उसको 54% लोगों ने पसंद किया है। समीम कठौतिया के खिलाड़ी को 9% लोगों ने पसंद किया है। मैनुल को 5%, सलीम को 7% और जियाउल को 24% लोगों ने पसंद किया है। दोस्तों, आप सभी एक बार फिर से गुलजार का बेस्ट ऑफ 15 देख सकते हैं कि गुलजार ने इस पोल को जीता है। जो शमशेरगंज के खिलाड़ी हैं गुलजार ने इस पोल को जीता है। इस वजह से अगला जो बेस्ट ऑफ 15 का वीडियो आएगा वो गुलजार शमशेरगंज के खिलाड़ी का आएगा। दर्शकों, अगर आप अपने फेवरेट प्लेयर को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आगे भी पोल कराया जाएगा। पोल में हिस्सा ले, अपने फेवरेट प्लेयर को वोट करें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल शरीफ नवाज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपने जितने भी मैचेस देखे हैं उसका बाप है ये फाइनल मुकाबला सबसे तगड़ा मोहनपुर, बहुत ही तगड़ा प्रहार, कोई भी मौका नहीं था मोहनपुर के खिलाड़ी के पास। इस तरह के शॉट को दोबारा देखना बनता है गुलजार के द्वारा। ये काफी अच्छा स्मैश था, एक बार फिर से देखते हैं किस तरह से स्मैश करी। ये देखिए, काफी अच्छी सर्विस करी गुल अजफर ने, काफी अच्छी सर्विस करी थी और शाबिर ने बहुत ही अच्छा सप्लाई दिया था। तौसिफ के लिए काफी अच्छा मौका था गुलजार के लिए इस गेंद को बना के देने का। गुलजार ने ये जंप किया और ये देखिए कितने खूबसूरती अंदाज से, ये बहुत ही सुंदर स्मैश और सीधे सीनियर प्लेयर मोहम्मद नैयर के हाथ से छिड़कती हुई कोर्ट से बाहर चली गई, क्योंकि नैयर के पास ज़्यादा मौका नहीं था इस गेंद को फील्ड करने का, क्योंकि बहुत ही उम्दा और ज़बरदस्त प्रहार था गुलजार के द्वारा। चितुरिया बांटोला के फाइनल मुकाबले के पहले ही सर्विस में काफी अच्छा स्मैश किया। एक बार हम से फिर से देखते हैं रिप्ले में किस तरह से गुलजार ने पहले ही सर्विस में स्मैश किया। ये देखिए किस तरह से सर्विस करी यहाँ पे आजमगढ़ के खिलाड़ी साहिब ने और बहुत ही अच्छा सप्लाई दिया यहाँ पे मिराज ने और बहुत ही खूबसूरत अंदाज, ये देखिए बहुत ही उम्दा और जबरदस्त शॉट, कोई भी मौका नहीं था आजमगढ़ के खिलाड़ी के पास इस गेंद को फील्ड करने का। गेंद बाहर चली गई और फायदा मिलता हुआ शमशेरगंज को। हल्के हाथ उसे स्मैश किया और उसके जवाब में सर उसने भी हल्के हाथ उसे स्मैश किया। लगातार गेंद हवा में है और ये बॉड शॉट बहुत ही तगड़ा था। पंकज के द्वारा ये सर्विस असिफ है तैयार गुलजार के लिए गेंद बनाने के लिए और अच्छा स्मैश गुलजार के द्वारा, क्योंकि ये जो है पहला सेट का है। अभी भी आपके पास 4 सेट है, आप दोनों भी किसी भी सेट में वापस कर सकते हैं। अच्छा पास फिर से दोनों के द्वारा आप कर सकते हैं। अपने कीर्ति हॉस्पिटल के इस बॉल में पूरा में मैं अपना योगदान दिया है सभी का, मैं श्री राज को सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और उनका तहे भी आभार करता हूं क्योंकि उसने जिस प्रकार से इस बॉल में पूरा में के फाइनल मैच को बनाया है तो काफी ताई है और काफी लोगों को इस प्रकार से मैच में मिल रहे हैं। ये
और ये अच्छा स्मैश 4-12 का एक और रन का अधिकतर से 8-14 जीते हैं। अच्छा शॉट और सभी के पास मौका है अच्छा स्मैश और इसी के साथ धीरे धीरे एक खाली गेंद अपने खाते में आपको जोड़ रही है और पृथ्वी के साथ चलते हुए पीछा कर रही है सबसे रन का पास करते हुए अच्छा शॉट सारा दारोमदार लाइन बनते हैं ऐसा पहली बार हो रहा है अरे बार फिर से जैसे मैं गेंद को ऐसे खेल दिया दूसरे खेल में कर दिया है और बहुत ही अच्छा स्मैश और न्यास छगाने में कामयाब शंकु महाराज और एक बार यहां फिर से 5-1 किए और ये कुछ कर गए सभी सभी 5-1 बहुत बड़े अपने मौसम के लिए अब ये अंतिम इनिंग लास्ट इनिंग जो भी जीतेंगे वो बनेंगे सिकंदर जो हारेंगे वो जाएंगे घर 5-0 लाजवाब स्मैश तौसिफ के पास मौका है और गुलजार ने काफी अच्छा स्मैश किया इसके साथ ही फाइनल के इस मुकाबले में अभी तक गुलजार ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा गुलजार इस मैच में फाइनल मुकाबले में किस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं और ये अच्छी सर्विस यहां पे समीर गेंद को बनाया तौसिफ और ये बहुत ही लाजवाब स्मैश गुलजार के द्वारा धीरे धीरे सब सर्कल अपने फाइनल में जगह बनाता हुए और उधर फिर से रसगुल्ला सर्विस नूरपुर के द्वारा और मौका था यहाँ पे तौसिफ के पास और ये लाजवाब स्मैश गुलजार के द्वारा